हेलो एवरीवन, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो इस बार एग्जाम होगा CUET 2022, उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो गए हैं। इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए जो वीडियो है वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में कम्प्लीट आपको बताया जाएगा कि ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अगर आपको CUET एग्जाम में अपेयर होना है तो। ठीक है, आगे प्रोसेस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड या और भी कोई इन्फॉर्मेशन आप इस एग्जाम से रिलेटेड जानना चाहते हैं, इसके लिए हमने एक मोबाइल नंबर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपडेट किया है। उस नंबर पे आप कॉल करके जो हमारे एक्सपर्ट है आप उनसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, कैसे पर्सनल डिटेल सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स आप कैसे अपडेट करेंगे और भी इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको फॉर्म में कैसे फिल करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है CUET.samarth.ac.in। ठीक है, होम पेज से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से सबमिट करना है रजिस्टर के सेक्शन से। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप सबमिट करें तो उससे पहले आपको जो ये इंस्ट्रक्शन है एक बार इनको रीड कर लेना चाहिए। यहाँ पे कंप्लीट इन्होंने बताया है कि आपको फॉर्म को किस तरह से सबमिट करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी दिया हुआ है। अगर आपको डिटेल में और कुछ जानना है एग्जाम के बारे में तो आप इसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद में यहाँ पे आपको टिक करके और फॉर्म को आगे प्रोसेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म में आएगा वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। सो फर्स्ट आपका जो रजिस्ट्रेशन पार्ट है इसमें आपको देखिए आपका नेम, फादर नेम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ये आपको आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। ठीक है, बाकी कुछ और पर्सनल डिटेल्स है ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका एड्रेस आपको कंप्लीट यहाँ पर सबमिट करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर कंप्लीट सबमिट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपका सबमिट करना है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अच्छे से सबमिट करें, वही सबमिट करें जिसे आप यूज करते हैं और आपके पास हो। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे एड्रेस जो है फाइनल सबमिट करना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आप यहाँ पे डिफरेंट सबमिट कर सकते हैं और फिर आपको जो है पासवर्ड बना के और इसको सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, रिव्यू के लिए जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया उसको एक बार आपसे पूछा जाएगा, तो एक बार आपकी जो डिटेल्स है उसको अच्छे से आप चेक कर लें, उसके बाद में इसको आप फाइनल सबमिट कर दें। जब आप सबमिट करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उसमें आपको जो है एक OTP सेंड किया जाएगा और उसको आपको वेरीफाई करके फिर आगे प्रोसेस करना है। सो आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद में अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फिर पेमेंट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो कम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है ये हमें यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में देखिए आपको कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो सबमिट करनी है। ठीक है, इसमें देखिए आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो फादर की क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो आप ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब वो करते क्या है और कितने पढ़े लिखे हैं। सेम मदर के लिए भी पूछा जाएगा, तो ये डिटेल सबमिट करनी है। देन उसके बाद में आपसे कुछ बेसिक डिटेल और पूछी जाएंगी कि भाई आप इसमें प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मोड ऑफ प्रिपरेशन, आर यू ट्विन, डोमिसाइल स्टेट, ये डोमिसाइल स्टेट का जो ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको वही सबमिट करना है जहाँ के आप रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी आपका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश या हिंदी आपको, या और कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना है या किससे आपको पढ़ाई करनी वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, आपका प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है, परमानेंट भी सेम है, तो आप यहाँ पे इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको अदर कोटा और कैटेगरी के बारे में भी कुछ डिटेल पूछी जाएंगी। सो देखिए ये यहाँ पे मेंशन है, आपको ये फिल करना है कि भाई आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं या पॉवर्टी लाइन से जो है बिलोंग करते हैं, आपके जो पेरेंट हैं वो डिफेंस में थे पहले या नहीं, आप NCC में हैं मतलब स्पोर्ट कोटा में आप हैं, या आपके जो पेरेंट हैं वो यूनिवर्सिटी में कहीं एम्प्लॉय हैं किसी में। सो ये डिटेल्स हैं, अगर ये डिटेल्स में आप एलिजिबल हैं तो उनको यस कर दीजिए और उसके बाद में डिटेल सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक डिटेल है। ये डिटेल सब सबमिट होने के बाद में फिर आपको एक बार जो है फाइनल यहाँ से सबमिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एजुकेशन डिटेल्स का। ठीक है, तो इसमें आपके जो है आपके 10th की और 12th की जो डिटेल्स हैं वो सबमिट करनी है। ठीक है, सो देखिए एजुकेशनल डिटेल्स में आपको क्या सबमिट करना है, 10th क्लास आपने देखिए किस ईयर में पास किया था। ठीक है, और पास कहाँ से किया था, उस स्टेट का नाम क्या है, इसका जो पास करने का जो आपका स्कूल था वो कौन सा था, गवर्नमेंट था प्राइवेट था। ठीक है, उसके बाद में स्कूल का नेम आएगा और उसका बोर्ड आएगा, स्कूल के एरिया का पिन कोड आएगा और उसका 10th का आपका जो रोल नंबर आएगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपको 10th की जो मार्कशीट है उसी से फिल करनी है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। सेम डिटेल्स आपको जो है 12th की फिल करनी है और उसके बाद में आगे प्रोसेस। अब देखिए उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन आता है यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन का। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी और आपका जो कौन सा उसका कोर्स लेना है, प्रोग्राम लेना है, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप एक बार पहले उस यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पहले समझ लें, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तभी आप यहाँ पे जो है अप्लाई करें उसके लिए। ठीक है, सो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, और फिर उसका जो भी प्रोग्राम है उसके लिए आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब आप और भी किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं और उसका भी कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप जो है रिमूव कर सकते हैं। तो जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है एग्जाम के लिए वो आप यहाँ पे ऐड करना है, आपको यहाँ से
और सबमिट करना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सेलेक्शन। तो देखिए ये देखिए अब आपको ये किस तरह से यहाँ पे फिल करना है, इसके लिए देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इनको यहाँ पे एक बार पढ़ लें अच्छे से। दोनों स्लॉट में आपको देखिए अपना जो सब्जेक्ट है और जो लैंग्वेज है पेपर की वो सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को आगे प्रोसेस करना है। उसके बाद में देखिए आएगा कि एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो आपको फिल करना है, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए सबसे पहले तो पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है, एंड पेपर के मीडियम के बाद में चॉइस ऑफ सिटी आपको जो है सेलेक्ट करनी है कि आप किस जगह पर जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एंड इसके बाद में आपको बस सेम इसको आगे नेक्स्ट प्रोसेस करना है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड करने हैं, ठीक है। सो देखिए एक तो आपका जो है फोटो अपलोड होगा, एंड आपकी एक सिग्नेचर जो है वो अपलोड होंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में अभी नहीं बना हुआ है तो इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है, डिक्लेरेशन फॉर्म जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके उसको फिल करें और स्कैन करके अपलोड कर दें, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट इन्होंने 1 जनवरी के बाद के ही मांगे, अगर पहले का बना हुआ है तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर दें, पुराना अपलोड ना करें, ठीक है। और अगर पुराना भी अपलोड कर देंगे बट आपको फिर जो है नया इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट तो बनवाना ही होगा, तो फिलहाल आप जो है सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर दें। स्कैन के बाद में उसका साइज क्या होगा डॉक्यूमेंट्स का वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको जस्ट यहाँ पे जो है सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद में आगे प्रोसेस करना है। तो इसमें देखिए हमारा पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, टेस्ट पेपर डिटेल्स हमें कौन कौन सी लेनी है वो सेलेक्ट करना है, एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, एंड फिर फाइनल प्रीव्यू चेक करके और आपको जो है इसका पेमेंट करना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसीजर है इसका, ठीक है। और इसमें फिर भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम एक आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ पे नंबर पे कॉल करके और एक जो ऑफिस आवर्स का टाइम होता है उसमें जो है रेस्पेक्टेड जो टीचर होंगे आप उनसे बात कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें, फिर भी आपको डाउट है तो आप हमें फ़ोन पे और कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।